तो 680 है, इनबिल्ट 1000 लाइट है और इसके ऊपर मॉफलर गार्ड में कलर है वो टोटल 12 कलर में, अपाची 160 RTR उसके साथ में भी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास कुछ अलग है और जो कि TVS का एंटॉर्क जिसका रेस एडिशन हमारे पास है, जो कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेकर क्या है, जो कि आप सभी जानते हैं कि स्कूटी पेट्रोल इंजन है, उसका काफी वैरायटी है, काफी सारे ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में जो हम आपके लिए इस बार लेकर के हैं और काफी इम्प्रूव। अगर देखें एंटॉर्क का तो 6 एडिशन टोटल आ चुका है मार्केट में। 6 एडिशन में आप समझ सकते हैं कि वो बार बार इम्प्रूव करके उसके बाद 6 एडिशन ये लॉन्च की है, जिसका जो प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 1,02,000 से लेकर के 1,29,000 तक इसका टोटल 6 एडिशन कवर कर रही है ऑन रोड प्राइस में। हमारे पास जो है उसका रेस एडिशन है जिसका प्राइस कि हमारे एरिया में इसका 1,15,000 to 16,000 है। ये जो गाड़ी है फर्स्ट इम्प्रेशन जो था इसका, वो फर्स्ट इम्प्रेशन को देखते हुए और मुझे काफ़ी अट्रेक्टिव लगा। कोई स्पोर्ट्स बाइक है अगर उसको ना चलाते हो, आप चाहते हैं कि स्कूटी में उस टाइप का आपको चाहिए तो आपके लिए ये है बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स है इसके साथ, जिसको 125 cc के अंदर में आता है और इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है इनबिल्ट 1000 लाइट है, इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इसका एग्जॉस्ट साउंड जो आप साइलेंसर देख पा रहे हैं, साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत परफेक्ट आपको इसका साउंड मिल जाएगा, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक के जैसा आपको साउंड मिल जाएगा। लुक लाइक आप गाड़ी भी देख पा रहे हैं उस तरीके का। उसके बाद इसका जो साइलेंसर के ऊपर मफलर गार्ड है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से और बताते हैं हम आपको इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है। इसके सामने से बात करें तो ये आपको सबसे ऊपर में आपको विंड स्क्रीन मिल जाएगा, उसके बाद में देखें तो इस तरीके का लुक लाइक और एक DRL लैम्प मिल जाएगा जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव आपको दिखेगा। उसके बाद हम अगर इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एंटॉर्क का रेस एडिशन आपको, जो कि इसका स्टिकराइज किया गया है। उसके बाद TVS का एक लोगो मिल जाएगा यहाँ पे। नीचे देखते हैं तो RTFI का जो है एक स्टिकराइज किया गया है, 125 का स्टिकराइज है जो कि 125 cc से है। और यहाँ पे देखें तो ये आपको एक 3D एंटॉर्क का लोगो मिल जाएगा 125 के साथ, रेड एडिशन आपको मिल जाएगा। और अगर हम पीछे से देखें तो ये आप देख पा रही है एक स्टैंड आपको मिल जाएगा जो कि लेडीज़ के लिए आप आराम से फुट रेस्ट कर पाएंगे। पीछे से देखें तो एकदम स्पोर्टी वही लुक आपको जो है DRL लैम्प जो कि बैक लैम्प है वो आपको मिल जाएगा। ये TVS का एक ब्रांडिंग मिल जाएगा, ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, ये साइड में आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाएगा, ये साइलेंसर आपको मिल जाएगा जो कि परफेक्ट, और इसके ऊपर मॉफलर गार्ड मिल जाएगा ताकि आप जो है आराम से बैठ सके, या आप अगर कपड़े हैं तो आपके कपड़े बचे रहे उसके साथ। और साइलेंसर को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे देखें तो आप एक फ़ैन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एक फुट रेस्ट, जैसे डबल सीटर अगर बैठते हैं आप तो उसके लिए एक फुट रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो वही आपका 125 का ब्रांडिंग किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रेक्टिव है ये इसके लिए और इस प्राइस रेंज के हिसाब से, जो कि एकदम बिल्कुल अलग सा जो है आपको LED मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम देख पाएंगे, यहाँ पे किलोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हेलमेट का एक शो करेगा जो कि इंडिकेटर देगा आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो। साथ में आपको यहाँ पे आपको Trip 1, Trip 2 मिल जाएगा। और अगर उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा जहाँ से हम अपना जो भी इसके फंक्शन है उसको ऑपरेट कर पाएंगे, मोबाइल से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे एप्लीकेशन के द्वारा। कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन, ऑल इन वन नोटिफिकेशन आप इसमें देख पाएंगे। कलर की बात करें तो एंटॉर्क का जो कलर है वो टोटल 12 कलर में आता है, और अगर हम सिर्फ इसकी रेस एडिशन की बात करें तो हमारा 4 कलर में आएगा, जिसमें डिस्क ब्रेक होगा और जो ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक वाली जो भी होगी एंटॉर्क की रेस एडिशन, उसमें 2 कलर में आपको वो मिल जाएगा। हम इसकी टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको जो है अलॉय व्हील मिल जाएगा। टायर की साइज आपको देखें तो 180 का आपको टायर मिल जाएगा, 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा जो कि फ्रंट साइड में, और एक बढ़िया सा जो है हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि दोनों साइड में है, जो कवर के अंदर रहेगा जो कि काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर हम इसको बैक साइड से आते हैं तो बैक साइड से फिर वही अलॉय व्हील मिल जाएगा जो कि 12 इंच होगा फ्रंट में। और उसके बाद में इसकी जो टायर की साइज़ की बात करें तो 110 cc जो कि 125 cc के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बेटर दे दिया गया है। अगर देखें तो कंपेयर अगर करें तो अपाची जो आप देख पा रहे हैं अपाची 160 RTR उसके साथ में भी 110 AT का उसका टायर का साइज होता है जो कि रियर का होता है,
वो सेम टायर इसमें दे दिया गया है इसको, एक एग्रेसिव और एक स्पोर्टी लुक के लिए। अब सभी जानते हैं कि जो स्कूटी है उसमें बूट एस्पेक्ट मायने रखती है, तो यहाँ से हम बूट एस्पेक्ट अनलॉक करके हम देखें तो इसके 20 लीटर का जो है बूट एस्पेक्ट ऑलमोस्ट आप जो है एक हेलमेट और आप कुछ ऐसे सामान है जो इसमें कैरी कर सकते हैं, 20 सपोर्ट करती है। 5.8 लीटर का आपको टैंक मिल जाएगा जो कि इस तरीके से ये ओपन होगी। अब इसकी जो टॉप स्पीड है वो 98 किलोमीटर आपको कवर करेगी, 8.6 सेकेंड में जो है आपको 60 किलोमीटर इसकी स्पीड कवर करेगी रेस एडी से। आप देख रहे हैं स्ट्रीट मोड में है क्योंकि मैंने आपको बताया 0 to 60 आपको कवर करती है 10 सेकेंड में। अगर हम स्पोर्ट मोड में डालते हैं तो 0 to 60 आपको 8.2 सेकेंड में आपको ये कवर कर लेगी, 0 to 60 जो आपको कवर करेगी तो ये सेकेंड भी नोट करेगी, आपको यहाँ बताएगी कि आप कितने सेकेंड में कवर कर चुके हैं। साथ में आपको हेलमेट का एक जो कि यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप हेलमेट इंडिकेट करेगा कि आप हेलमेट पहने। 125 cc आपको इंजन आपको मिल जाएगा, साथ में 118 kg इसका वेट मिल जाएगा। अगर हम इसकी सीट हाइट की बात करें तो 770 mm सीट हाइट मिल जाएगा जो कि स्पोर्ट बाइक में भी 800 something आपका हाइट उसका मिलता है। 2 का आपको माइलेज मिल जाएगा। इसके लुक के साथ साथ इसमें सबसे अट्रेक्टिव और एक आकर्षक जो चीज़ है वो एग्जॉस्ट साउंड है, क्योंकि स्पोर्टी डिजाइन किया गया है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं आपको सुना दूँ उसका जो है साउंड किस मिलता है, इस तरीके का एग्जॉस्ट साउंड आपको मिल जाएगा। एग्जॉस्ट साउंड आपने सुना जो कि काफ़ी अट्रेक्टिव आपको लगा होगा। लुक अगर आप कुछ पावरफुल ट्राई करना चाहते हैं 125 cc के अंदर में सबसे बेटर स्कूटी आपको एंटॉर्क का मिलेगा जो कि रेस एडिशन है, इसके बाकी सारे भी एडिशन हैं। एक बेटर कलर और एक एग्रेसिव लुक स्पोर्टी के साथ साथ एक एग्रेसिव लुक एग्जॉस्ट साउंड आपको बेटर। तो कुछ अगर आप नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। जो इस प्राइस रेंज में आप देख पा रहे हैं जुपिटर भी आती है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको होता है प्राइस रेंज में। अगर देखें अदर ब्रांड में तो काफ़ी कंपनी है जो बना रही है स्कूटी, पर इसमें जो है काफ़ी एडवांस लगा मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे मेन 4 से 5 पॉइंट हमने जैसे आपको बताया, टायर साइज हो गई, एग्जॉस्ट साउंड हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और इसके ओवरऑल लुक हो गया, एक एग्रेसिव लुक हो गया। तो इस तरीके का जो इसका ओवरऑल जो फीचर्स है वो बाकी स्कूटी से काफ़ी एडवांस है, इसीलिए मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था। इस तरीके का रिव्यू रहा है हमारा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।